Hey guys, I welcome you all once again on my channel. I am making videos on modern history. In my previous videos, I have completed medieval history. So guys, this chapter or this particular topic is the most favorite topic of all government exams or UPSC. So please take down the notes, whatever is required from the slides. So इसमें हम बात करेंगे 1905 से 1918 के नेशनल मूवमेंट्स की, इनके आगे के मूवमेंट्स की हम आगे की वीडियो में बात करेंगे. ये चैप्टर है नेशनल मूवमेंट, इसमें हम जानेंगे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में, और ये भी देखेंगे इसमें कितना मास पार्टिसिपेशन हुआ था, नेशनल मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. ये है नेशनल मूवमेंट क्या है, ये सिर्फ राष्ट्रवाद की विचारधारा ही नहीं, ये उग्रवाद था, ये एक्सट्रीमिस्ट की बात करने लगा था. क्योंकि अब तक हमने देखा था मॉडरेट लीडर्स के अंतर्गत उनकी डिमांड्स होती थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती ही नहीं थी या उनको रिजेक्ट कर देती थी. इसलिए लोगों को लगने लगा कि अब मॉडरेट लीडर्स के अंतर्गत काम चलेगा नहीं, अब हमें एक्टिव होना पड़ेगा और हमें मास पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि अब हम थोड़ा स्ट्रेंथली आगे बढ़ें और अपनी डिमांड्स को आगे रखें. अब इसके लिए क्या क्या सिचुएशन थी और बैकग्राउंड क्या था, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई क्या, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश. अब लोगों को समझ आ चुका था कि ये ब्रिटिश रूल ये सिर्फ हम लोगों को एक्सप्लॉयट कर रही है, ठीक है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, हमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता. अगर हम इन्हीं के सुनते रहे तो हमारा कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो नरम व्यवहार है इससे ही हम आगे बढ़ते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है. बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा अफेक्टिव मोड ऑन करें और फिर अपना पॉलिटिकल एक्शन करें, और इस हिसाब से अगर हम चलते रहे तो और तो कुछ होगा नहीं, और हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्यों, ताकि हम इन लोगों को चैलेंज कर सकें. अब लोगों को समझ आ चुका था कि ये गवर्नमेंट है, इनके साथ हमारा आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए उग्रवाद की बातें होने लगी और फ्रीडम लेनी ही नहीं और बल्कि उसके लिए लड़ना होगा. इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. अब लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई कि हम क्यों दूसरे देश के हाथों पे गुलाम हों. लोगों को समझ आ गया बिकॉज ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट लीडर्स, एंड हु आर दे आर बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो एंड बिपिन चंद्र पाल. इन लोगों के बीच के बात होने लगी कि अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, सरकार में थोड़ा डर आएगा और हम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे, हमें इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा ताकि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा हो. और लोगों को वैसे अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा हो गया था, यहाँ तक आते आते जान चुके थे कि अंदर कि उनकी कैपेसिटी की बात क्या है. तो ऐसे फॉरेन रूल के अंतर्गत चले हमारी सोसाइटी, हम खुद चलाएंगे, क्यों हम किसी अंग्रेज़ों के या किसी फॉरेन रूल के धासे में आएँ, क्यों हम उनके अंतर्गत चलें, हमारे अंदर खुद के अंदर कैपेसिटी है, हम खुद रूल कर सकते हैं अपनी कंट्री को. इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. यह अब लोग पढ़ गए थे, लोगों को समझ आने लग गया था कि ये सब सही नहीं है. जो लोग पढ़े लिखे थे वो अंडर डेवलप्ड थे, अनएम्प्लॉयड थे, बेचारे बेरोज़गार थे, उनको पास कोई नौकरी नहीं थी, अगर काम धाम था तो वो बहुत कम छोटा मोटा काम था. तो अब लोगों को समझ आ गया कि हम क्यों गरीबों की तरह रहें, हम क्यों ऐसे पुअर बन के रहें, ये हमारी एक कंट्री की इकनॉमी क्यों हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और हमें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. लोगों को कॉलोनियल रूल जो एग्जैक्टली इसका मतलब था वो समझ में आने लग गया कि ये क्या है. इसलिए वो चाहते थे कि हम रेडिकल चेंज लेके आएं, और रेडिकली चेंज लेके आएंगे. इसके बाद आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस. अब हर देश आगे बढ़ना चाहता था, हर देश अपनी कोशिश कर रहा था बढ़ने के लिए. तो इसी की एक मिसाल अपने भारतीयों के सामने आई, वो था जापान. 1868 में जापान इंडस्ट्रियल पावर के रूप में उभर के आया, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल बाहर की हेल्प के. अब जापान ने इंडियंस की आंखें खोल दी, अपनी हम लोगों की आंखें खुल गई. इंडियंस को लगा कि
चाहे तो अपनी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? वी शुड डू समथिंग फॉर दैट. तो साथ ही कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए बाहर की और कंट्रीज़ में, जैसे कि आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्शिया में, चाइना में. और ये लोग बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, दे वर डूइंग रियली गुड. तो ये इन चीज़ों से अपने इंडियंस को इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे आगे बढ़ने की, कि ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम भी राष्ट्रवाद का सहारा लें और आगे बढ़े. तो इंडियंस को चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अब एक साथ जुड़े तो हम तब कर सकते हैं, कि हमें एक साथ जुड़ना ही पड़ेगा. इसके बाद आता है रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन. अब बहुत कोशिश की जा रही थी कि इंडियंस को कन्वर्ट करके वेस्टर्नाइजेशन में डाल दिया जाए, उन्हें मर्ज कर दिया जाए और वेस्टर्न कल्चर में ढाल दिया जाए, क्योंकि ये जो ब्रिटिश एम्पायर था उनका ये काम था अंदर ही अंदर कि लोगों के धर्म चेंज करते रहते थे ये, और उनके साथ उनके ट्रेडिशन को एक्सप्लॉयट करते थे. बोलते थे कि आपका ट्रेडिशन पिछड़ा हुआ है, इतना अच्छा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो. मतलब वो लिटरली लोगों को मजबूर किया करते थे. तो हमारे कुछ बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत जैसे कि स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र, स्वामी दयानंद, इन लोगों ने अपने इंटेलेक्चुअल स्पीचेस देना शुरू किया, इंस्पिरेशन दिया, लोगों को इंस्पायर करने लगे कि हमारा जो ट्रेडिशन है ये सबसे बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, आप इधर उधर लोगों की बातों में मत बहको, हमारे ट्रेडिशन पे ध्यान दो. मतलब इन लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया लोगों को, ये इंटेलेक्चुअल स्पीचेस देते थे. तो ये बहुत अच्छा काम हुआ एक. इसके बाद आता है रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन. ये हम लोगों को हिला डालता है. इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जो हमारे इंडियंस थे वो जो मॉडरेट जो थे, उन लोगों के अचीवमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत ना खुश थे, बहुत डिससेटिस्फाइड थे. उन्हें लगा कि यार 15-20 साल हो गए इन लीडर्स ने कुछ किया नहीं है, एज सच हमें कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ब्रिटिशर्स इनकी बात नहीं मानते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं. इसके बाद ये रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, ये जो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है हमारे इंडियंस के साथ एक बार फिर से, इसमें ये होता है कि जो एक 7-year रूल होता है जो फुल ऑफ मिशंस, कमीशंस एंड ओमिशंस से होता है, ये अपनी इंडिया को एक नेशन, जो ये कर्जन साहब होते हैं ये अपनी इंडिया को एक नेशन रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं कि ये कोई नेशन वेशन नहीं है. हमारे जो नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं. तो गाइस जो इनका जो काम था, ये एक इंडियंस को सप्रेस किया करते थे, ये सप्रेस करते थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे, एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते थे, ताकि इन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो. इनके रूल के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इन्होंने लिए ऑफिशियल, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, द कैलकुलेशन एक्ट. ये बहुत नीतियों के, बहुत बुरी नीतियों के साथ आए, बहुत बहुत नुकसान हो रखा था इंडियंस को इन चीज़ों से, और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. इसके बाद ये एक और करते हैं, जो कि होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि लोगों के दिमाग में फिक्स कर देता है कि भाई ये हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं, ये इतना भयानक इन लोगों ने स्टेप लिया होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल की. तो इसके बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल और उसके थॉट्स के बारे में बता देती हूँ. ये 20th सेंचुरी के टाइम पे एक ग्रुप बना था. ये ग्रुप ऐसा 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट का ग्रुप बना था. ये लोग फॉरेन रूल से काफ़ी बहुत नफरत किया करते थे. वो चाहते थे कि अगर इंडियंस को इंडिपेंडेंस चाहिए और दे वांट टू वर्क फॉर देयर सेल्वेशन, तो उन्हें आगे आके स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. और इनका एक नेशनल मूवमेंट इनका था कि एक गोल होना, स्वराज ही सिर्फ एक गोल होना चाहिए. ये डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन में विश्वास रखते थे. इनको मास
क्लासेस पे विश्वास था, ग्रुप्स में विश्वास था, यूनिटी में विश्वास था, स्ट्रेंथ में विश्वास था. ये बोलते थे कि अगर हमारे पास मासेज हैं, ग्रुप हैं, लोग हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हम लोगों को, और ताकि हम उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर पाएंगे. और कैपेसिटी ऑफ मासेज की बात करते थे. सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पर्सनल सेक्रीफाइसेस का, पर्सनल सेक्रीफाइसेस एज इन लाइक फैमिली हो, चाहे अपना ऑफिस काम हो, कोई भी काम हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो सेक्रीफाइस करोगे और एक यूनिटी बनाओगे तभी अपनी कंट्री को कुछ बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की. ये जो लॉर्ड कर्जन है, 16 अक्टूबर 1905 में इन्होंने अनाउंस किया कि हम बंगाल को पार्टीशन करने जा रहे हैं. तो जब डिक्लेयर किया इन लोगों ने, तो इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट शुरू किया. इंडियंस ने कहा ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली बंगाली लीडर्स, और कहा कि हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाएंगे और हम इनको इसको मांगेंगे, इसको नहीं मानेंगे. फिर भी पार्टीशन हो गया और बाद में एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक स्वदेशी मूवमेंट में बदल गया. इनका जो मोटिव था, मेन मोटिव ये था, ये बंगाल को वीक करना चाहते थे, क्योंकि जो बंगाल था वो एक नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिस्ट का, इंडियन नेशनलिज्म का. पर इन्होंने जो रीज़न दिया, वो बोलते कि ये जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 78 मिलियन हो गई है, तो ये हम एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं. तो ये फालतू के उन्होंने रीजंस दिए थे, बट इनका कोई ऐसा रीज़न नहीं था. ये अपने बंगाल को बहुत वीक बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जो वहाँ के लीडर्स थे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, वो बंगाल से ही थे, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं के लीडर्स इतने स्ट्रांग थे कि मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. तो इन लोगों ने सोचा होगा कि हम लोगों को ही, इनको ही डिवाइड कर देते हैं, और तो लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे. ठीक है, इसके बाद हम इसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. इसके बाद आता है मुस्लिम लीग, जिसका सेटअप होता है 1906 के अंदर आगा खान के नीचे, आगा खान की लीडरशिप में. और इसका जो ये मुस्लिम लीग होता है, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करती है, स्वदेशी मूवमेंट को अपोज करती है, और सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करती है मुस्लिम्स के लिए. उसके बाद स्वराज आता है 1906 दिसंबर एट कलकत्ता में होता है, दादा भाई नरोजी की लीडरशिप में ये अडॉप्ट किया जाता है. ये इंडियंस का एक गोल होता है. तो गाइज, ये एग्ज़ाम में इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि दादा ये किसके किसकी लीडरशिप के अंडर अडॉप्ट किया गया था. तो दादा भाई नरोजी की पे किया गया था. कौन से टाइम पे हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था. इसके बाद द सूरत स्प्लिट आता है गाइज, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले कुछ बताने की बातें हैं. इसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि ये मुस्लिम में, सॉरी, शिमला में एक वो मीटिंग बुलाई जाती है मुस्लिम्स के द्वारा, जो मॉर्ले मिंटो से मिलने की बात किए जाते हैं. वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करते हैं अपने मुस्लिम्स के लिए. 1900 इसके बाद गदर पार्टी आती है 1913 में. इसके अंदर इसके जो फॉर्मर होते हैं वो लाल हरदयाल, तरकांत, सोहन सिंह बाकाना, ये एक अपनी पार्टी बनाते हैं. ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हुआ था, तो इन गदराइट्स ने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया को फ्री कर सकते हैं इस गवर्नमेंट से. और कुछ और भी उनके कॉजेज़ थे, तो ये इंडिया बहुत हज़ारों के तादाद में इंडिया पहुँचते हैं और जो रिवोल्ट्स चल रहे होते हैं उनमें कोलेब्रेशंस करते हैं, बट ये फेल हो जाते हैं. इसके बाद आता है होम रूल लीग मूवमेंट. इसके अंदर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब होते हैं, ये सेल्फ गवर्नमेंट मांगते हैं अपने इंडिया के लिए, स्वराज मांगते हैं, पूरा फ्रीडम मांगते हैं अपने इंडिया के लिए, और स्लोगन देते हैं कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. इस और जो मुस्लिम लीग है वो भी हमें सपोर्ट करती है इसके अंदर. इसके बाद होता है लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट में क्या होता है गाइज, जो कांग्रेस होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम मांग रहे होते हैं, और ये एक जॉइंटली डिमांड करते हैं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने डोमिनियन स्टेटस अपनी कंट्री के लिए. ठीक है,
जो ये अगस्त डिक्लेरेशन है इसमें मॉन्टेगू प्रॉमिस करते हैं टू इस्टेब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया. तो अभी यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर. ये तो इसके बाद हम इसके आगे का वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे. एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड गुड बाय, टेक केयर.